हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आप कैसे हैं? दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपकी आशीर्वाद में ठीक हूं। दोस्तों आज मेरे पास मेरे दुकान को एक पार्टी लेके आए हैं। दोस्तों ये देखिए, एक बड़ा वाला होम थिएटर है, इसमें दो छोटा सा ट्यूटर बोलते हैं और एक बड़ा बास है। तो मैं अभी उसको क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, ये फॉल्ट के बारे में आपको अभी जानकारी देने वाला हूं और आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूं। दोस्तों आपके सामने में ही ये दुकान में अभी ये फॉल्ट को रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों तो आइए दोस्तों, मैं अभी उसको करंट देखिए दोस्तों, ये सरसराहट आवाज आ रहा है। इसमें पॉजिटिव वोल्ट देखिए 14 वोल्ट आ रहा है, नेगेटिव भी हमारा 14 वोल्ट आ रहा है, इस आईसी में भी आ रहा है। देखिए दोस्तों वो आउटपुट 0 वोल्ट आ रहा है, इसमें आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। देखिए दोस्तों आउटपुट में वोल्टेज आना चाहिए, इस एसी की आउटपुट में 0 वोल्ट आ रही है। दोस्तों उसमें सप्लाई तो ओके है और जो भी सप्लाई है माइनस और प्लस वोल्ट ओके आ रहा है। तो मैं अभी ये दोनों एसी के खोलेंगे। दोस्तों देखिए, मैं आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करके आपको सीधे ही ये जो वीडियो दिखाने वाला हूं। दोस्तों देखिए, ये ऐसी बहुत हीट भी हो रहा है, बहुत गर्म भी हो रहा है। दोस्तों देखिए, और बहुत ही गर्म हो रहा है, बहुत हीटिंग है। दोस्तों ये वाला डी शोल्डर है, ये आयरन है। मैं दोनों आईसी को खोलूंगा। दोस्तों ये पार्टी के सामने ही मैं ये सेट को बना रहा हूँ। दोस्तों ठंडा पिया है,
ये देखिए दोस्तों, ये दोनों पुराना वाला है और ये दोनों नया वाला है। देखिए देखिए दोस्तों, इसमें जो नंबर है ना, ये नंबर के हिसाब से लगा जाता है। और इसका जो पिन है, पिन डिटेल भी आपको बताने वाला हूँ वीडियो ख़त्म होने के बाद, और उसका डायग्राम भी दे दूँगा दोस्तों, ताकि आपको भी रिपेयरिंग करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैं उसका डायग्राम भी दे दूंगा दोस्तों। टिकटॉक नहीं हो, बोलो वीडियो बनाने का। देखिए इसमें थोड़ा सा जो सफेद वाला दिया हूँ, उसको हीट सिंक बोलते हैं दोस्तों। ये हीट सिंक दे दिया और उसको पूरा फुल टाइट कर दिया। उसके बाद मैं उसको सोल्डिंग कर दूंगा दोस्तों। देखिए ऐसे उसको सोल्डिंग करना पड़ता है। सही ढंग से ही इसको सोल्डिंग करना पड़ता है दोस्तों। देखिए अच्छा से एक एक करके पॉइंट को ये सोल्डिंग करना पड़ता है दोस्तों। देखिए और बारीक से कोई पॉइंट इसके साथ नहीं टचिंग लेना चाहिए, टचिंग हो जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगा, हमारा नुकसान पहुंच जाएगा दोस्तों। देखिए उसके बाद उसको थोड़ा सा थिनर लेके, ये जो जितना भी सोल्डिंग कर दिया हूँ दोस्तों, उसको थोड़ा सा मैं उसको सफाई कर दूँगा। देखिए दोस्तों सफाई हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों और ससराहट आवाज़ आया था वो वाला अभी ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद देखिए अभी ये मैं अभी चला के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों मैं अभी उसको कंप्लीट फिटिंग करके भी फिर भी एक बार चला के दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए
बॉक्स करे नहीं से बॉक्स सजे ऐसे दिनों बॉक्स करेंगे यार ये दोस्तों वही 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 कंप्लीट रेडी हो गया दोस्तों फाइनली अभी मैं चेक करके दिखाने वाला हूं दोस्तों सब पेंची से लगा लिया मैं देखिए दोस्तों मैं भी उसको कर दूंगा देखिए दोस्तों क्या बातें करते सारा शहर ये जाने हम रे बात वाला ये पीजो छोटा हो रहा है देखिए दोस्तों ऐसे नया नया वीडियो नया नया ट्रिक नया नया शॉप ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी आपको देने वाला हूं दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो दोस्तों और बेल बटन को दबाना मत भूलिए दोस्तों आपका जितना भी फ्रेंडशिप लोग है उसको आप शेयर करो दोस्तों थैंक यू दोस्तों जय हिंद एंड जय भारत थैंक यू नमस्कार।